हेलो गाइस, वेलकम टू जी के पाठशाला। अज आप कर जा रहे हैं मास्टर कैडर या होर को टीचिंग कॉ एग्जाम्स लिमिट एंड डेरीवेटिव का पार्ट थर्ड कर जा रहे हैं अज आप। ठीक है, पहला आप दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। जो वीडियो वधिया लगे तो लाइक जरूर करो, तो जो पहले आए पहली बार आए चैनल तो सबसक्राइब जरूर कर चैनल में ताकि होर लेटैसट अपडेट्स मिलती रहे सोनू। जो वीडियो स्टार्ट कर जा रहे हैं आप अज डिस्कस करा आप कंटिन्यूटी बारे। सब तो पहला क्या है, पहला डेफिनेशनस देखा आप सारियाँ। एक्सप्लिक्ट डेरीवेटिवस वाई इज डायरैक्टली इन टर्म्स ऑफ एक्स। इन हों एक फंक्शन वेरीएबल सिर्फ एक वेरीएबल ही दिता होगा, इन्होंने कहना एक्सप्लिक्ट डेरीवेटिवस। जिम्मे वाई है, वाई इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 7, ये की है पॉलीनोमियल इक्वेशन दिता हुआ डायरैक्टली ओनली इन एक्स है। इम्प्लिक्ट डेरीवेटिव एक्स एंड वाई एक्सप्रैसड इन फंक्शन रिलेशन दैन कोल्ड इम्प्लिक्ट। जिहड़ा एक्स ते वाई नूं इकट्ठे ही एक फंक्शन विच दर्शाया जाए उन्हूं कहिंदे आपां इम्प्लिक्ट डेरीवेटिवस। लाइक x² प्लस y² प्लस 2axy प्लस 2bx प्लस 2cy इज इक्वल टू 0। हुण इहदे विच की एक्स ते वाई नूं आपां अलग अलग नहीं कर सकते वेरीएबल्स नूं सैपरेट, इस नूं कहिंदे आ इम्प्लिक्ट डेरीवेटिवस। नैक्सट अपने कोल dy / dx एंड dx / dy रिलेशन। रिलेशन इहनां विच रिलेशन की हुंदा, इहनूं चेन रूल भी कह सकते आपां। ठीक है, इहनां दोनों नूं जे मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू 1 होता है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। dy / dx की होता है, यहाँ पर इनवर्स करते हैं 1 / dx पौन dy का, यह एक दूजे के बराबर आ जाते हैं। इन ध्यान रखना है, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाता ये रिलेशन के उत्ते। नैक्सट अपने को लिमिट x अप्रोचिज टू a x की पावर n माइनस a की पावर n पौन x माइनस a, यह फॉर्मूला होता है n a की पावर n माइनस 1। a की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है तो n की भी कोई भी पावर हो सकती है ये। ठीक है, हम अपने लगे कुछ फंक्शन ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ने इनवर्स फंक्शन ने डोमेन ते रेंज तुसी ध्यान रखनी है। सब तो पहला साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन की होंगी है माइनस 1 to 1। अपन पता ही है साइन ते कोस की होंगे कि होंगे दोनों बाउंड्री फंक्शन ने, इन्हें दोनों की वैल्यू वेरी करती है माइनस 1 तो लैके 1 के। डोमेन की होंगी इन्हें इनपुट, ठीक है, तो रेंज आ जाती अपनी आउटपुट डोमेन। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज की होंगी है माइनस π/2 to π/2। इस तरह ही कोस इनवर्स एक्स की डोमेन तो सेम ही है माइनस 1 to 1, तो रेंज क्या आती है 0 to π। टैन इनवर्स की डोमेन आ जाती है ऑल रियल नंबरस, रेंज आ जाती है माइनस π/2 to π/2। कोट इनवर्स एक्स की आर, रेंज आ जाती है 0 to π। ये सारे तो इस तरह याद रखने, डायरैक्ट क्वेश्चन आ जाते तो डोमेन या रेंज के उत्ते किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की अपन डोमेन या रेंज पूछ सकते हैं। नैक्सट इज डेरीवेटिव ऑफ साइन इनवर्स। डेरीवेटिव है भी आप डेरीवेटिव किस तरह कर सकते हैं। डेरीवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डेरीवेटिव साइन इनवर्स एक्स होंगे 1/√1 माइनस एक्स स्केयर। डेरीवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्केयर। हम देखो ये की है, तो साइन इनवर्स एक्स से कोस इनवर्स एक्स का डेरीवेटिव सेम होंगे, बस सी की थान से वो मूहरे माइनस लगाना। आप टैन इनवर्स का डेरीवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्केयर, कोट इनवर्स का डेरीवेटिव माइनस 1/1 प्लस एक्स स्केयर, सीकेंड इनवर्स का डेरीवेटिव 1/modulus एक्स √x² माइनस 1। डेरीवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1/x मोडुलस एक्स √x² माइनस 1। नैक्सट अपने को कुछ टिप्स ने, ये कई समय अपना डायरैक्ट सोल्व नहीं होंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उन्हों का डेरीवेटिव करना होंगे इनवर्स फंक्शन का, उन्होंने आप कुछ वैल्यूज पुट करनी पैदा पहले सिंपलीफाई करके, फिर उन्हों का आप ईजीली डेरीवेटिव कर सकते हैं। उसलिए तुम आह ट्रिक्स याद रखनिया ने। सब तो पहली है a² माइनस x² जिससे भी सूँ इस तरह फंक्शन दिता उत्थे आप एक्स में ए साइन थीटा या ए कोस थीटा पुट कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन पुट करा आप भी साइन पुट कर सकते हैं कि कोस पुट सक। नैक्सट वन इज x² माइनस a² होंगे, तो उत्थे आप ए सीकेंड थीटा या ए कोस सीकेंड थीटा पुट कर सकते हैं। a² प्लस x² उस आप ए साइन थीटा या ए सॉरी ए टैन थीटा या ए कोट थीटा पुट कर सकते हैं। √a + x / a - जैसे इनवर्स हो इस आप हमेशा ए कोस 2θ ही पुट करा। नैक्सट वन फॉर्मूले ने साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, ए फॉर्मूला होंगे साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस y² प्लस माइनस वाई √1 माइनस x², कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस √1 माइनस x² √1 माइनस y² ब्रैकेट क्लोज। नैक्सट वन इज टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई पॉन 1 माइनस एक्स वाई, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई पॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूले याद रखने हैं ताकि आप समस्या ईजीली यूज कर सकिए। नैक्सट वन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स पॉन एक्स इज इक्वल टू 1, यह ऑलवेज 1 दे ही इक्वल होंगे। ठीक है, बहुत थान यूज करेंगे, नोट कर लो अपना।
नैक्सट वन हूँ अपने को की है इस रिलेटड MCQs ने ये सारे आप सोल्व करा लैट स्टार्ट फस्ट MCQ है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन एक्स पॉन एक्स साइन स्केयर एक्स तुम ये आंसर दस सकते हो ऑप्शन ने अपने को ए 1/2 बी 1/4 सी 1/3 तो डी 1/6 देखो इनू किस तरह सोल्व करा आप ये उम्मीद है जिमें पहला भी फंक्शन आप सोल्व कर चुके हैं हूँ सब तो पहला की करा ये साइन HX अपॉन एक्स साइन स्केयर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन स्केयर एक्स बस एलसीएम प्रॉपर्टी लगे कुछ नहीं किया हूँ की करा आप इन वन बना लिमिट किनू अप्रोच कर रही है जीरो नू ठीक है एक्स ये की करा एक्स स्केयर नाल मल्टीप्लाई तो एक्स स्केयर नाल डिवाइड उरे क्यूब हो जू इस तरह उरे एक्स स्केयर नाल मल्टीप्लाई एक्स स्केयर नाल डिवाइड ये तो की होजूगा अपने को वन तो यह भी की होजूगा वन हूँ बाद की गया अपने को साइन HX पौन एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स क्यूब ये भी साइन एक्स पौन एक एक्स ये यूज कर लेंगे ये भी वन होजू बच की जाऊ उरे अपने को वन पौन एक्स स्केयर माइनस साइन हाइपरबोलिक अपॉन एक्स क्यूब साइन हाइपरबोलिक इस तरह ही सोल्व कर सकते हो ठीक है इस तरह सोल्व कर अपने आंसर कि आजाद 1/3 इनू अगे तुम खुद सोल्व कर सकते आप सारी ट्रिक्स तो समझ चुके हैं ये नैक्सट वन इज इफ FX इक्वल टू साइन मोड एक्स अपॉन एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो जे एक्स इक्वल टू जीरो होंगे तो आंसर किन्ना जीरो फाइन लिमिट एक्स प्रोच टू FX वह फंक्शन की वैल्यू सोल्व करनी है उम्मीद ठीक है ये क्यों होंगे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी वही यूज़ करा आप लैफ्ट हैंड लिमिट क्यू लिमिट एच प्रोच जीरो साइन जीरो माइनस एच पॉन जीरो माइनस एच इक्वल टू आजू साइन वन तो राइट हैंड लिमिट की आजू साइन जीरो प्लस एच पॉन जीरो प्लस एच लिमिट एच प्रोच जीरो साइन जीरो पॉन जीरो ये क्या आज अपने को जीरो सॉरी उरे जीरो नहीं आता एच आऊगा उरे पूरे एच आऊगा साइन जीरो की होंगे जीरो इसलिए यह आजगा जीरो हूँ देखो ये दोनों आपस इक्वल है कि नहीं साइन वन तो जीरो ये इक्वल नहीं है ठीक है इसलिए यह आंसर क्या आजगा नन ऑफ दीज क्योंकि लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए ताई फंक्शन एग्जिस्ट करूगा इसलिए आंसर आज नन ऑफ दीज नैक्सट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ लैमडा सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू हूँ देखो ये उम्मीद है आप वैल्यू ऑफ लैमडा कड़नी है फंक्शन की है कहते कंटिन्यूस है किते एट पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट देता पाई बाय टू से हूँ ये उम्मीद लैफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी लैमडा कोस एक्स पॉन पाई बाय टू एक्स पॉइंट भी एग्जिस्ट करूगा आप पॉइंट ती सोल्व कर लेंगे एक्स अप्रोच टू पाई बाय टू लिमिट ये की लाया आप एल हॉस्पिटल रूल लाया हूँ देखो एल हॉस्पिटल रूल की होंगे एल हॉस्पिटल रूल च न्यूमीनेटर का डेरीवेटिव डिवाइड बाय डिनोमीनेटर साइमल्टेनियसली दोनों डेरीवेटिव कर देना जो न्यूमीनेटर का डेरीवेटिव की आजगा लैमडा कोस का डेरीवेटिव माइनस साइन एक्स एंड नीचे पाई बाय टू का डेरीवेटिव जीरो एक्स का डेरीवेटिव वन अपने को क्या गया लैमडा साइन एक्स ठीक है लैमडा साइन एक्स आ गया हूँ आप उरे यदि वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स अप्रोच की कर पाई बाय टू साइन पाई बाय टू की होजू वन इज इक्वल टू है गया लैमडा इसलिए एफ पाई बाय टू लैमडा इज इक्वल टू की आ गया अपने वन नैक्सट वन इज इंटीजर एन फोर विच लिमिट एक्स अप्रोच जीरो कोस एक्स माइनस वन पॉन कोस एक्स माइनस ई द एक्स पॉन एक्स दी एन इज फनाइट एंड नॉन जीरो आप एन की वैल्यू फाइंड करनी है एन की वैल्यू इसी तरह ही तुम सोल्व करके फाइंड कर सकते हो वैसे जो सिंपली भी लैके चलिए आप ईजीली कर सकते हैं देखो कोस एक्स माइनस वन डिवाइड बाय ये एक्स लिख सकते हैं आप ठीक है तो इधर की आजगा कोस एक्स माइनस ई दी एक्स डिवाइड बाय उरे की आजू एक्स की पावर एन माइनस वन इस विच भी उम्मीद करा हूँ उपर की करा माइनस वन प्लस वन ठीक है ये की होजू अपना वन
ठीक है। एक ही हूँ इन्हें क्या पहली फिनाइट एंड नॉन जीरो, ठीक है। ये वन होजू अपना लिमिट किन अप्रोच कर रही है जीरो न। इस तरह ये भी कोस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जीरो होजू उ आजू एन माइनस टू, ठीक है। अपने बच की जाऊगा वन, हम देखो ये बच की गया अपने को वन माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर एन माइनस टू, ठीक है। इस तरह इन सोल्व कर सकते हूँ आप पावर आप फॉर्मूला किया से, ठीक है। यदा आंसर कि आजगा अपने को थ्री आंसर आजगा, बाकी सोल्व करके देख सकते हो आप एन की वैल्यू कटनी है। फनाइट आंसर है, फनाइट आंसर लिए की होना चाहिए एन माइनस टू इज इक्वल टू वन, ये वन होगी, ठीक है। एन की वैल्यू कि आजू वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, यही आप फाइंड करना है थ्री क्या गया आंसर कि मैं देखो हूँ आप पहले प्रोपर्टी की भी वन माइनस ई एक्स अपॉन एक्स की होंगे यह वन होंगे जो लिमिट अप्रोच कर रही होगी जीरो नू। नीचे की है उपर का वन माइनस ई एक्स बन गया, नीचे की एक्स की पावर वन माइनस माइनस टू है, मतलब पावर कितनी होनी चाहिए यदि वन होनी चाहिए, एन पावर को कंपेयर करा के एन की वैल्यू थ्री आ गई। नैक्सट वन इज है अपने को देखो हूँ देखो ये नैक्सट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस कोस एक्स, दो फंक्शन ने हूँ इन्हें पूछा अपन कहते एफ एक्स की है कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू माइनस वन से एक्स इक्वल टू वन से एक्स इक्वल टू टू से एक्स इक्वल टू जीरो से, ठीक है। हम आप इस तरह सारी सारी चैक करा कंटिन्यूस होने की है लैफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, हम तुम चैक कर सकते हो माइनस वन से चैक करोगे देखो की बन जूगा कोस वन इज इक्वल टू माइनस कोस वन विच इज नॉट इक्वल, ठीक है। एक्स इक्वल टू वन पुट कराएं तो कि आजू कोस वन इज इक्वल टू माइनस कोस वन, ये भी पॉसीबल नहीं है। एक्स इक्वल टू टू लवेंगे कोस टू नॉट इक्वल टू माइनस कोस टू, ये भी नहीं पॉसीबल। एक्स इक्वल टू जीरो हूँ एक्स इक्वल टू जीरो चैक करा देखो कोस जीरो पुट करा जो आप कोस जीरो की होजूगा वन कोस जीरो तो होजू अपने को वन तो ये भी पुट करा ये की होजूगा वन, ठीक है। ये भी की है नॉट इक्वल ने, मतलब ये की है हूँ इन दोनों तिना से की से आप नॉट कंटिन्यूस ये भी नॉट कंटिन्यू, ये ऑप्शन की अपना करैक्ट है। नैक्सट वन इज एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स एक्स इज रेशनल एक्स इज इरेशनल दैन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बिलोंगस टू आर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो नन ऑफ दिस, हूँ ये आप चैक करा इस तरह ऑप्शन चैक करा फिर सब तो पहले की है एट एक्स बिलोंगस टू आर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एफ एक्स इज कंटिन्यूस है कहते हूँ देखो आप चैक कर सकते हैं जीरो नॉट इक्वल टू एक्स है रेशनल तो इरेशनल नंबर जो चैक कर लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होनी चाहिए बट इक्वल नहीं है इस करके पहला ऑप्शन इनकोरैक्ट है। हूँ सैकेंड वन कहते एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल एक्स बिलोंगस टू आर, ये भी इनकोरैक्ट है क्योंकि ये की होगा जीरो तो कंटिन्यूस है जो एक्स में जीरो लवेंगे जीरो इज इक्वल टू जीरो आजू तो की होजू कंटिन्यूस। नैक्सट ऑप्शन अपना यही है कहते एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसलिए यह एक्स इक्वल टू जीरो तो ओनली कंटिन्यूस होगा और किसी पॉइंट से कंटिन्यूस होगा बाकी सारे पॉइंट से यह डिसकंटिन्यूस होगा। नैक्सट ऑप्शन अपने नैक्सट क्वेश्चन अपने को सैवंथ एफ एक्स इक्वल टू जीरो और वन इफ एक्स इज रेशनल और एक्स इज इरेशनल उम्मीद चैक करा हूँ इस भी कहते एफ एक्स इज कंटिन्यूस है सारे लिए नहीं ये कभी भी कंटिन्यूस नहीं हो सकता क्योंकि जीरो नॉट इक्वल टू वन है। नैक्सट कहते एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूड फॉर ऑल, हाँ ठीक है एक ही है डिसकंटिन्यूस है सारे एक्स की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हो तुम इरेशनल लैल जो इरेशनल इरेशनली क्या हो जीरो इरेशनली सारे लिए हो वन दोनों की है कभी भी इक्वल नहीं हो सकते लैफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इस करके कि डिसकंटिन्यूस हो कंटिन्यूटली सब तो मस्ट कंडीशन है लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए फिर आप जो दोनों इक्वल हो जाए फिर पॉइंट के इक्वल लैके आप वैल्यूज कैलकुलेट कर लेने होंगे। नैक्सट वन इज एफ इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज रेशनल वन माइनस एक्स इफ एक्स इज इरेशनल ये भी चैक करा सब तो पहला ऑप्शन चैक करा हूँ कहते एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू ओनली कहते वन बाय टू तो कला यह कंटिन्यूस है चैक कर लें आप एक्स नू वन बाय टू पुट करते हैं चैक कर लेने ये की होंगे देखो एक्स की वैल्यू वन बाय टू पुट करें वन बाय टू आजूगी नैक्सट दूसरे च वन माइनस वन बाय टू वन माइनस वन बाय टू कि वन बाय टू लैफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट दोनों की है इक्वल इस करके की है कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू वन बाय टू बाकी ऑप्शन भी चैक कर सकते हो कंटिन्यूस एक्स बिलोंगस टू आर ये हो नहीं सकता डिसकंटिन्यूस भी नहीं हो सकता नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है कहते इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एक्स इज स्मॉलर दैन थ्री फाइव एक्स इज इक्वल टू थ्री टू प्लस थ्री ठीक है इस विच फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू थ्री ये कंटिन्यूस है पहले अपन दे रखा कंटिन्यूस है
कंटीन्यूअस का मतलब की है लैफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हूँ आप उही लवेंगे एफ थ्री दे बराबर होगा एफ थ्री किन्ना ये फाइव है ठीक है टू के माइनस वन इज इक्वल टू फाइव के की वैल्यू रोसोल्व करके नहीं आ गया अपनी थ्री सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस इफ एक्स नॉट इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू टू फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जू दैन ए इज ये देखो हम कि आप फंक्शन दिता हुआ है तो पॉइंट की है और अपना डिसकंटीन्यूड पॉइंट टू है ये तो उम्मीद कंटीन्यूटी आप रखे कंटीन्यूस है दोनों लैफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो पॉइंट के भी इक्वल लै सकते हैं उम्मीद आप पॉइंट के इक्वल लै लेंगे पॉइंट के इक्वल लैके जो सोल्व करा ये ए की वैल्यू कटनी आप ए की वैल्यू कि आज ये अपने लगे जीरो सोल्व करके। नैक्सट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस रूट टू साइन एक्स पॉइंट पाई माइनस फोर एक्स एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाय फोर तो ए एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर फाइंड ए इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर ठीक है ये पुट करा हम आप जीरो माइनस रूट टू कोस एक्स पॉइंट जीरो माइनस फोर इज इक्वल टू ए तो ये हूँ जो वैल्यू पुट करा आप पाई बाय फोर कोस पाई बाय फोर कि वन बाय रू टू वन बाय टू रू वन बाय रूट टू आ जूगा वन माइनस वन फोर ठीक है ओके गाइज ए वैल्यू कि आ गई वन बाय फोर अज की वीडियो इतने तक ही सी थैंक यू।